हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के पहले सुपर हीरो क्रिश। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का पार्ट 4 बनने जा रहा है, यानी कि क्रिश 4 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस फिल्म के मेकर्स यानी राकेश रोशन ने इस फिल्म की कुछ हिंट दी है कि क्या स्टारकास्ट रहेगी, क्या रोल रहेगा, कब ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होगी और ये फिल्म कब रिलीज होगी। साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरह से क्रिश फ्रेंचाइज का बस बना हुआ है, उस हिसाब से मैं उस फिल्म का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन करूंगा। तो दोस्तों, आप भी अगर ऋतिक रोशन सर के ट्रू फैन है तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, और अगर आप हमारी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, ऋतिक रोशन अपने फैंस के लिए कई सारी फिल्में लेके आने वाले हैं, जिनमें से फाइटर फिल्म शामिल है। उस फिल्म के अंदर उनके ऑपोजिट पहली बार हमें दीपिका पादुकोण एक्शन करती नजर आएगी, वो भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म रहेगी। सिद्धार्थ आनंद फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों, विक्रम वेदा फिल्म के अंदर भी ऋतिक रोशन रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारी यूट्यूब में न्यूज आ रही थी कि विक्रम वेदा फिल्म में से ऋतिक रोशन को निकाल दिया है, लेकिन दोस्तों नहीं निकाला। अब दोस्तों, क्रिश 4 फिल्म के बारे में बात करें तो दोस्तों, क्रिश का पहला पार्ट था कोई मिल गया, क्रिश 2 और क्रिश 3। दोस्तों, सभी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कलेक्शन किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सभी को डायरेक्शन देने वाले हैं राकेश रोशन। और दोस्तों, राकेश रोशन ने बताया कि क्रिश 4 फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन का डबल रोल रहेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस फिल्म के अंदर कृति सनोन सुपर गर्ल का रोल करती नजर आएंगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कृति सनोन और ऋतिक रोशन पहली बार एक साथ एक स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ दोस्तों, अपने करियर में पहली बार कृति सनोन सुपर गर्ल का रोल करने वाली है। फैंस भी उनको एक साथ और सुपर गर्ल का रोल में देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। अब दोस्तों, बजट की बात करें तो लगभग 150 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, और ये फिल्म की शूटिंग 2021 में ही स्टार्ट की कर दी जाएगी। और दोस्तों, इस फिल्म के अंदर हमें विद्युत जामवाल नेगेटिव रोल करते नजर आ सकते हैं या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये तो वक्त ही बताएगा। और भी बहुत सारे स्टार रहने वाले हैं। और दोस्तों, पार्ट 1 यानी कि कोई मिल गया फिल्म के अंदर जो जादू देखने को मिला था, वो जादू क्रिश 4 फिल्म में वापस आने वाला है, यानी फिर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचेगा। जी हाँ दोस्तों, वॉर ऋतिक रोशन की करियर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 320 करोड़ का कारोबार किया है वॉर फिल्म ने, लेकिन दोस्तों, क्रिश 4 फिल्म वॉर का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, आराम से 350-400 करोड़ तक जा सकती है। तो दोस्तों, आप ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा, फाइटर और क्रिश 4, ये सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे।